एक बार आए तो प्लेटफार्म बेच दिए, हवाई अड्डा बेच दिए, इस बार प्लानिंग है पूरा देश को ही बेच डालेंगे। इस बार उनका ये प्लानिंग है कि बैलेट पेपर मोहर से, मोहर से मशीन से वोट नहीं देंगे। नहीं, का दिक्कत है? हमें दिक्कत है, हम सब डालत है मायावती के वोट और जाता है मोदी के। मोहर से मायावती या मोदी? मायावती। मायावती के? आप? मायावती। मायावती। ईवीएम या बैलेट पेपर? मोहर पे। चमार नहीं देंगे, कोई मूल्य पर नहीं देंगे। अखिलेश को नहीं देंगे? नहीं, मुसहर चमार बिल्कुल नहीं। मोदी जी चोरी कर रहे हैं। चोरी कर रहे हैं? बिल्कुल चोरी कर रहे हैं, वोटों को चोरी कर रहे हैं, तभी भैया जीत रहे हैं। विश्वास हो तो बैलेट पेपर से चुनाव करिए, कराइए ना 2024 में। मायावती है मोदी? मायावती रहा है हमारे बिरादर, हमारे देह चाहिए, लेकिन मैंने जात का हमारे यहाँ सिला ये रहे कि हमारे बिरादर अधिकारी नेता बा। मायावती, मेरा नाम है श्याम कुमार, मैं बायोलॉजी का टीचर हूँ, पढ़ाता हूँ। अच्छा, शिक्षक हैं आप? हाँ हाँ। तो क्या कहेंगे फिर शिक्षक होकर के विरोध कर रहे हैं मोदी जी का? विरोध क्यों ना करें भैया, बताइए। अच्छा, दिन पे दिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, फिर भी सरकार हर बार बोली जा रही है कि सरकार घाटे में जा रही है। सबका साथ सबका विकास। सबका साथ तो हो रहा है लेकिन विकास कुछ भी नहीं हो रहा है भैया। साथ तो मिल रहा है लेकिन विकास नहीं हो रहा है ना। विकास के नाम पे लूटा जा रहा है जनता को। लूटा जा रहा है? हाँ, विकास के नाम पे लूटा जा रहा है। कह रहे हैं एक बार और हमें मौका दिया जाए, अच्छा करेंगे। अगर इस बार साथ दे दिया जाए तो शायद हो सकता है पूरे देश को ही बेच डालेंगे। एक बार आए तो प्लेटफार्म बेच दिए, हवाई अड्डा बेच दिए, इस बार प्लानिंग है पूरा देश को ही बेच डालेंगे। इस बार उनका ये प्लानिंग है। मतलब इस बार मोदी की सरकार नहीं, सत्ता में नहीं आएंगे? नहीं भैया, कैसे आज बताइए, इतना महंगाई कर रहे हो आप लोग, फालतू फालतू चीजें बना रहे हो। अच्छा बताइए, राम मंदिर तुम बनाए हो? आप बताइए हमको, राम मंदिर जरा मुद्दा उठाइएगा। राम मंदिर देखिएगा, राम एक अगर देखा जाए तो राम पुराने जमाने में एक राजा रहते थे, तो भगवान कैसे हो गए? आइए इधर, कुछ महिलाएं हैं, उनसे थोड़ा बातचीत करते हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। ये बताइए, इस बार ईवीएम की बैलेट पेपर मोहर से? मोहर से। हाँ। मशीन से वोट नहीं देंगे? नहीं। का दिक्कत है? हमें दिक्कत है, हम सब डालत है मायावती के वोट और जाता है मोदी के। मायावती को वोट देती है, मोदी को जाता है? हाँ। तो इसीलिए आप मशीन से वोट नहीं देंगे? नहीं, मोहर से देंगे। पर मोदी जी तो काम तो बढ़िया कर रहे हैं, राशन वाशन तमाम कर रहे हैं, हमारे लिए नहीं कर रहा। अच्छा काम नहीं कर रहा है? मायावती कोट देंगे? हाँ, मायावती कोट देंगे। मायावती नहीं जीतेंगी तब क्या करेंगे? जे जीते तब जीते, मगर नहीं देंगे। अच्छा, जीते या हारे मगर देंगे? हाँ, मायावती। हाँ, मायावती। चलिए फिलहाल क्या कहेंगे, ईवीएम या बैलेट पेपर? नहीं भाई, अब जो कही हुए हुए, अब कुछ नहीं। नहीं, मशीन से कि मोहर से? नहीं, मथा मोहर से। मोहर से किसको वोट देंगी? मायावती के। मायावती। चाची मोहर से या मशीन से? मोहर से। मोहर से। मायावती या मोदी? मायावती। मायावती के। आप? मायावती। मायावती। ईवीएम या बैलेट पेपर? मोहर पे। मोहर से। हम सब सभी लोग यहाँ, पूरी जनता है, लगातार आप लोग विद्रोह कर रहे हैं कि मायावती को वोट देंगे पर ईवीएम नहीं बैलेट पेपर से वोट देंगे। क्या कमियां हैं? कमी बा है, जो कुल महंगाई करे हैं दुनिया भरे का, और जितना महंगाई करे हैं ओकरे हिसाब से केहू मजदूरी बढ़ावा, केहू नौकरी लगाए हैं, जेके पढ़ाए हैं ऊक ना आगे बढ़ा दिए हैं, रस्ते में कितना मनाई कट गए मर गए देखे मायावती सुने न मोदी लड़कियन के बलात्कार होता, लड़की भागत है पर आता है रोक लगावत है मायावती मोदी लगाए रहा है और क्यों क्रोथा में आ रहे हैं। ये हम सब चाहे थे तो मोदी कोर्ट नहीं देंगी, मायावती कोर्ट देंगी। पर मायावती आएंगी तो कुछ अच्छा करेंगे आप लोग? मायावती बहुत अच्छा कर रहे थे जब राज उनका रहा, गरीबन के लिए बहुत करे रहे हैं कुछ। हाँ, पर अखिलेश तो कह रहे हैं इस बार जो है कि मायावती को नहीं, दलित हमें वोट करेंगे। अखिलेश के कहे दे, मायावती के दे। अखिलेश तो चिल्ला रहे हैं कि हमको वोट देंगे। अखिलेश कुछ नहीं करे हैं, अखिलेश क्या करे हैं? अखिलेश को चमार नहीं देंगे, कोई मूल्य पर नहीं देंगे। हाँ, अखिलेश को नहीं देंगे? नहीं, मुसहर चमार बिल्कुल नहीं। अब मैं मने अखिलेश के केवल यही दे देंगे, कटत है ढेर रही कर जाते हैं भाजपा में चला जाइए। अच्छा। गरीबन के लिए करे हैं तो नहीं वोट का देवाए? वो तो खुद ही चाहते हैं कि चमारे गरीबन के मार काटी ना आए तो देगा, नहीं जीत पाएंगे। अच्छा, सिर्फ मायावती तब मायावती को देंगे तो जब मोदी जीता है इतना साल गरीबन के दावे चला जाते हैं आगे ना बढ़ाई देते हैं, आगे बढ़ावा मोदी वोट पावा मजबूत है मोदी। चलिए फिलहाल अभी आपको बता दूं कि ये महिलाएं हैं, लगातार मोदी का विरोध कर रहे हैं, मायावती के समर्थन में खड़ी हैं, ईवीएम नहीं बैलेट पेपर की मांग कर रही हैं। पर देखना ये होगा कि इस बार ईवीएम होगा या बैलेट पेपर होगा। कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार है, केंद्र का चयन हो रहा है और चयन में देखा जाए मोदी जी सत्ता में हैं और सत्ता में रहें।
रहेंगे या नहीं रहेंगे इस पर विचार किया जाएगा। फिलहाल क्या कहेंगे फिर? तमाम महिलाएं भी विरोध कर रहे हैं, आपके समर्थन में खड़ी हैं, कुछ सिखाएं पढ़ा दिए हैं, कहा सिखाएं पढ़ाने हैं। सब जानते हैं कि योगी मोदी जी चोरी कर रहे हैं। चोरी कर रहे हैं? बिल्कुल चोरी कर रहे हैं, वोटों को चोरी कर रहे हैं, तभी भैया जीत रहे हैं। विश्वास हो तो बैलेट पेपर से चुनाव करिए, कराइए ना 2024 में। जनता की मांग है, हमारी भी मांग है। अच्छा, आप लोग मांग कर रहे हैं कि इस बार बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। चुनाव कराने के बाद जो भी होगा निष्पक्षता से उस जो है कि उस पर कार्य होगा। हाँ, कार्य होगा। चलिए फिलहाल और आइए कुछ और लोग हैं, उनसे थोड़ा बातचीत करते हैं। आखिर क्या है महिला और जनता जो ओपिनियन है वो पोल है, मायने रखता है। दादी बताओ, मायावती या मोदी? मायावती रहा है, हमारे बिरादर हमारे दे चाहिए लेकिन मैंने जात के हमारे यहाँ सिला ये रहे कि हमारे बिरादर अधिकारी नेता बा, बस यही। अच्छा, सभी लोग अगर जात बिरादर पे काम करने लगे माताजी तब का होगा फिर? नहीं, जात बिरादर नहीं जो करता बाबा तो कर ही ना कि अपने सब मरत बेटवा अपने कुर्सी पे दे, हम हूँ सब मरते हमारे कुर्सी आवे बस। मतलब जीते या ना जीते देंगी मायावती को? बिल्कुल सही, पर ईवीएम से देंगी ना? अरे बटन द्वारा तो तम उतानी ले पर देव तो उधर चला जाए उधर। हाँ ना ही पेपर है आवे हम सब ठप्पा मार के पेटी में डाला। अच्छा, अब मशीन से भरोसा नहीं है? नहीं नहीं भरोसा नहीं। चंद्रशेखर रावण भी उधर दावा कर रहे हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। अरे चंद्रशेखर मायावती जब एक हो जाए तब तो हम सब और बढ़िया बात बने, ना बने तो अपने अपने मरे फंस के कहा करेगा। बाकी मायावती छोड़ किसी को देंगे नहीं? नहीं। चलिए फिलहाल अभी आपको बता दूं ये महिलाएं हैं, यहाँ पे तमाम दलित समाज के लोग हैं, लगातार ये मोदी का विरोध और मायावती के समर्थन में खड़े हैं। फिलहाल इस वीडियो को देखकर आप क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।